नमस्कार दोस्तों, मैं के नरेश आपका स्वागत करता हूं नरेश मनी मेकिंग चैनल के अंतर्गत। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम जब इसका टॉपअप करेंगे, रिन्यूअल करेंगे बिलियनएक्स का आईडी का, तो एक वीडियो बनाएंगे। आज वो समय आ गया है कि टॉपअप किया जाए, तो इसके लिए हम जो है ये www.billionexworld.com की साइट पर जाएंगे और यहाँ मेंबर लॉगिन का जो दिया है येलो कलर में, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज खुलेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है तो मेरा डायरेक्ट पेज खुला है, नहीं तो आपको अपना यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालना होगा, तभी जाकर के ये पेज आपका ओपन होगा। जिन जिन भाइयों की आईडियां एक्सपायर हो रखी हैं, उनके लिए इस तरीके का रेड अलर्ट आया हुआ है। सभी अपनी आईडी खोल करके चेक कर लें। अगर ये आया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप सीरियस जोन में हैं और आपको 10 दिन के अंदर में ही आपका जो है वो उसको रिन्यूअल करना होगा। अदरवाइज आपकी जो ड्वेल इनकम एक्सपायरी है वो हो जाएगी, फिर आपको ड्वेल इनकम का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो डायरेक्ट रेफरल आपको 5% आता था $500 की आईडी पे, वो भी 2% बोनस के रूप में ही आएगा। अच्छा, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपकी जो आईडी है उसको एक्टिवेट करने के लिए या उसको रिन्यूअल करने के लिए आपको अमाउंट इसमें डालना होगा। अमाउंट के लिए ये जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, माई इनकम में आप जाकर के क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैश वॉलेट आपको दिखेगा। आपको कैश वॉलेट में जाना है, ये इस तरीके से। और कैश वॉलेट में जाकर के एड कैश का ऑप्शन आपको चुनना होगा। ये ट्रांजेक्शन एड कैश, फंड ट्रांसफर, टोटल कैश और अनरिकॉग्नाइज्ड पेमेंट, तो आपको यहाँ एड कैश में आना है। एड कैश में आप जितने डॉलर की आईडी अपडेट करना चाहते हैं उतने डॉलर आपको मेंशन करने होंगे। हमने ये 500 इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हमने 500 कॉइंस लिखे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये जो है पेमेंट बिटकॉइन से भी कर सकते हैं और बिक्सी कॉइन से भी कर सकते हैं। बिक्सी कॉइन जो है वो बिलियनएक्स वर्ल्ड कंपनी ने अपना कॉइन निकाला हुआ है, सेम पैटर्न पे है। जैसे कि बिटकॉइन काम करता वैसे बिक्सी कॉइन भी काम करता, और आने वाले समय का ये नया बिटकॉइन है। तो ये हमने जो है बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो अभी बिटकॉइंस पड़े हुए हैं हम उनका यूटिलाइजेशन करेंगे जैप पे के थ्रू। और ये बिटकॉइन को हमने क्लिक किया और कंटिन्यू पे हम चले जाते हैं। अभी आप जैसे ही जो है वो कंटिन्यू आपने किया तो आपके पास ये डिटेल्स यहाँ आ गई है, और ये डिटेल्स जो है आप अपने जेब पे के थ्रू जो ये देख पा रहे हैं आप ब्लैक कलर का क्यू कोड, इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है वो जेब पे की एक और मेरी दूसरी वीडियो जो आने वाली है वो आपको देखनी होगी, क्योंकि तभी आप जो है उसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए अब हम जो है आपको QR कोड कैसे करते हैं स्कैन उसमें वो सिखाएंगे। और मैं इसी के साथ आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी सीख सकें कि कैसे हमें करना है। अब मैं QR कोड जो है वो सेलेक्ट करूंगा। आप ये QR कोड जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो इस स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि QR कोड जेपे का है और स्कैनर भी जेपे का है। वो आईडी मेरी जो है मोबाइल में है और मैं मोबाइल से इसको स्कैन कर रहा हूँ, इसीलिए आप वो नहीं देख पा रहे हैं। और इसके लिए आपको मेरी अलग से एक वीडियो देखनी पड़ेगी जो स्पेशल जेपे से बनेगी और वो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू होगी। तो जो मोबाइल में जेपे की एक्टिविटी है वो उस में आपको दिखेंगी स्पष्ट। तो अभी इसमें ये हो गया है, QR कोड सेलेक्ट हमने किया था तो वो इसने स्कैन कर लिया है। ये आप देख पा रहे हैं ये अमाउंट इसका ट्रांसफर हो रहा है। अब ये हो चुका है, मोबाइल से मैसेज भी आ गया। तो आपको यहाँ ऐड डिटेल्स में जाना है और ऐड डिटेल्स में जाकर के आप जो है जब इसको क्लिक करेंगे तो कैसे आपको दिखेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
तो अभी हम इसमें जो है यहाँ मेल आईडी से लाएंगे ये आ गया ना, ये वाला कौन सा हिस्सा जाना है इसमें? तो जैसा कि हम जो है दोस्तों इसमें जो है ट्रांजैक्शन आईडी की वजह से परेशान थे, तो ट्रांजैक्शन आईडी के लिए हमने जो है जैप पे से वो ट्रांजैक्शन आईडी मेल पे कॉपी की है, और ये वाया ट्रांजैक्शन जो है यहाँ से हम लोग इसको इतना हिस्सा कॉपी करेंगे। कॉपी हमने कर लिया, कॉपी करने के बाद अब हम इसको ट्रांजैक्शन आईडी में ले जाकर के पेस्ट करेंगे। ये हो गया है, यहाँ हम जो अमाउंट 500 का था उसको सबमिट करेंगे। ये हमने सबमिट कर दिया है। सबमिट होने के बाद इसमें अब वैल्यू रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। फंड ट्रांसफर के अंदर में हम लोग जाते हैं, ये सेकंड स्टेप है। ये आप कैश वॉलेट बैलेंस 500.83 डॉलर्स, ये अब आप देख पा रहे हैं, यही वो अमाउंट है जिससे हमारी ये आईडी अपग्रेड होने वाली है। अब इसके बाद हम लोग जो हैं ये बाय पैकेज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, क्योंकि प्रेस कंट्रोल लिखा हुआ है। बाय पैकेज में हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है ये ऑप्शन दिखा रहा है कि बाय नाउ, बाय नाउ पे आप क्लिक करें। ये अब आपने बाय नाउ किया तो जो आपके पैकेजेज हैं वो ओपन हो गए हैं। इसको थोड़ा सा हम ऊपर खिसकाते हैं, नहीं खिसक पा रहा है, ये खिसक गया। तो इसमें अलग अलग ये आपको दिखा रहा है कि 500 डॉलर्स वाला हमने पिछली बार एनालाइज भी किया था, इसी को हम करेंगे 12 मंथ के लिए। तो 12 मंथ का हमने किया क्योंकि 12 मंथ करने से ही हमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा था, जैसा कि हमने एनालाइज हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप रेफरल के लिए वो वीडियो मेरा देख भी सकते हैं। और ये USD 500 इसको हमने एक बार क्लिक किया। अब ये डिस्क्लेमर है, इस डिस्क्लेमर में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जैसे बैंक छोटी छोटी अपनी गाइडलाइन लिखे रहता है, वैसे कंपनी ने भी लिखा है। इसको यदि हम एग्री कर देते हैं तो बाकी सारी चीजें अब कंपनी के हाथ पे है। तो दोस्तों बिना एग्री किए काम चलेगा नहीं, तो अपन इसको एग्री करते हैं। ये हमने कर दिया और सक्सेसफुली ये आप मैसेज देख पा रहे हैं कि आपका जो है ये अमाउंट जो है इसमें दिखा रहा है। अब हम कैश वॉलेट में जाकर के चेक करेंगे। देखिए हमने कैश वॉलेट में किया, कैश वॉलेट में अब हम सिक्योरिटी पिन इसमें आवश्यकता पड़ेगी, जो हमारा पुराना पिन है हम उसी को इसमें जो है कंटिन्यू करेंगे। और ये हमने पे करने की कोशिश की और सक्सेसफुली आप देख पा रहे हैं कि ये आपका टोटल 500 डॉलर्स, और ये टैक्स इस पे कुछ भी नहीं बना और ये हो गया है। ये आपकी इनवॉइस है। अब हम डैशबोर्ड पे वापस चलेंगे। ये हमारा वापस डैशबोर्ड है।
जैसा कि हमने कहा था कि हम लोग अपग्रेड करेंगे, तो ये डैशबोर्ड के अंदर में पहले ये वैल्यू सब 0-0 थी और अब इसमें जो है वैल्यूज मैच्योरिटी की आ चुकी है। जो आप ये देख पा रहे हैं 186.44924142 ये बिक्सी वैल्यू है जो आपने इन्वेस्ट किया है या $500 के अगेंस्ट में इसको रिन्यू किया है। आज का बिक्सी प्राइस आप यहां से देख सकते हैं, ऊपर 1 BXC = $2.68 है। जब ये लॉन्च हुआ था तो $0.5 के रूप में हुआ था, लगभग ऐसा माना गया था। और एक साल की मैच्योरिटी यानी कि 12 मंथ के बाद आपको 200% मैच्योरिटी यानी कि आज वो अमाउंट आपको बता दें कि एक साल के बाद आपको जो मिलेगा बिक्सी में आपको 3742 पॉइंट यानी कि 372 बिक्सी और 0.898500 बिक्सीज आपको 12 महीने के बाद आपको मिलेंगी एज पर पॉलिसी जैसे भी रिडम्पशन होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगी क्योंकि इसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश की है कि आप कैसे जो है वो अपनी आईडी को अपग्रेड कर सकते हैं खुद घर पे बैठ करके। तो इसको अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भेजें ताकि किसी को कोई परेशानी है तो वो मुझे कमेंट भी कर सके। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स दोस्तों।